और पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है, साफ बिल्कुल। अरे सो यार पानी देखो कितना जबरदस्त है यार। आर्यन का स्टोरी है 1050 साल से पहले आया है आर्यन, तो आर्यन से आया तो आर्यन बोलेगा ना। चलो मेलो दुलो। गुड मॉर्निंग गाइस, कल हिलने से हम शाम को ले पहुंच गए थे और बस आज ले से वापसी वाया कश्मीर होते हुए, देखते रास्ते में कहीं अगर जाने का मौका मिला तो वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। और आज यहाँ से निकल के वाया कश्मीर जाना पड़ेगा क्योंकि मनाली वाला रोड जो है वो बंद है बिल्कुल। तो अभी यहाँ से निकल के हम वाया श्रीनगर होके चंडीगढ़ पहुँचेंगे। भाई चल पड़े हैं और देखते हैं आगे का सफ़र कैसे तय रहता। देखो पंकज जी हमारे चल पड़े हैं अपना बुरी बिस्तर उठा के, और ये खड़ी हमारी बसंती, बसंती का टायर में हवा कम लग रही है, एक में अभी भरेंगे वो भी। लो जी रुको, टॉप अप का काम दोबारा शुरू हो गया, हमने देखो अपना माल पूरा रखा हुआ है। चलो जी आओ पंकज जी, दो बजे जी तो मैं गिर जाएगा तो। हाँ जरूरी, पंप बहुत जरूरी है गाड़ी में होना, कहीं भी हवा कम हो तो अपना भरो और चल पड़ो आगे, कहीं पंचर वाला मिले तो पंचर लगवा ले। देखो हमारा भी हवा कम होगी और ये चल रही है हवा। ये जो होटल है यहाँ रुके थे हम लोग, वहाँ से भी निकल रहे हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे का देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। हेलो भाई, पराठा आ गया, पराठा विद ऑमलेट ऊपर सॉस, कैसा आलू परांठा? कैसा है? बहुत बढ़िया भाई, होटल का अच्छा घर जैसा था, नमक मिर्च सब बराबर अच्छा। हाँ जी बस करो, हम लोग यहाँ खालसी से ले से कारगिल वाले रोड पे जब आ रहे हैं तो खालसी से राइट टर्न करता है बटालिक सेक्टर की तरफ, यहाँ पे आर्यन वैली है, कहते हैं कि बहुत सुंदर है, तो जाते जाते देख के चलते हैं, आपको भी साथ एक टूर रहता है इधर का कि कैसी वैली है क्या है। तो इस रोड हमने ये ले कारगिल वाला रोड छोड़ के अभी ये बटालिक वाला रोड पकड़ लिया है खालसी से, जो राइट साइड टर्न करता है चेक पोस्ट के पास, पुलिस चेक पोस्ट के पास है। फॉरनर्स के लिए एंट्री है? हाँ यहाँ पे अगर फॉरनर्स कोई आपके साथ तो उसकी एंट्री करानी ज़रूरी है, अदरवाइज इंडियन है तो वो जा सकते हैं नॉर्मल बिना एंट्री कराए। वैसे तो हमने पहले से ही परमिट ले रखा है, अगर कोई दिक्कत आती है तो परमिट दिखा सकते हैं। ये देखो आगे यहाँ से तो अभी हुई है सिस्टम, आगे जाके देखते हैं कि कैसी वैली है ये।
लगाने का। बीआरओ ने तो काम खींचते खींच रखा ही है सारी जगह। ये सारी सड़क मेरे को लग रहा है ऐसी है, सारी ऐसी है ना। बटालिकोली बड़ी खतरनाक सड़क है, काम चल रहा पूरी जबरदस्त जोरों शोरों से। और ये आगे सिंगल रोड आ गई जमा, ये ऊपर कहाँ गई, ये तो नहीं जा रहा विलेज में, चेक कर लो बंदा खड़ा। हाँ सड़क पक्की जा रही है ऊपर को, पूछ ले। ये देखो बोर्ड लगे हुए यार इधर, कुत्ते कम खाप दो। फिर रास्ता देखो क्या खतरनाक है, हैं छोटी सी सड़क देखो, अच्छा जीरो थ्री पंचकूला की गाड़ी देखी। आर्यन इतना भी नहीं कर सकेगी, सड़क तो ठीक करवा दे। ये हमें अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम इंटीरियर में आ गए, है ना। पहले तो हमें ऐसा लगता कि नहीं यार सब कुछ बढ़िया है, हाईवे बढ़िया है, अब लग रहा है इंटीरियर में आ गए हम। ये किसने किया लोकेशन, ये पहाड़ देखो यार कैसे हैं। ये देखो ऐसे जैसे लावा पिघल के आ गया हो। अब फिर चढ़ाई शुरू हो गई है, बटालिक सेक्टर की बहुत खतरनाक है, और दोनों साइड खाली, कोई रेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई मार्किंग, ना कोई मार्किंग। बंदा रात बरात तो यहाँ आई ना, पीछे गिरे तो मिलना भी नहीं, मिलना ही नहीं, पता भी लगना कोई आया अभी तक नहीं। देखो रास्ते में डेंजरस पहाड़ियाँ हैं, डेंजरस। फिर कच्चा आ गया, फिर आगे तोड़ फूट चल रही है इनकी, बीच बीच में ऐसे ही चल रहा है काम इनका। ये देखो क्या जबरदस्त ऊपर से झरना है, ये सब ग्लेशियर्स के पानी है। ये घर देखो पुराने घर, असली जगह तो अब आए हम, अब तक तो नकली थी सारी। देखो कितने खतरनाक है, नीचे पानी की आवाज भी आ रही है ना, बहुत तेज आवाज है। देखो पत्थर भी आए हुए नीचे, बहुत तेज ब्लो है ना, आवाज आ रही है पानी की बहुत जबरदस्त। डलान डलान है और पत्थर पत्थर भी है, डलान और पत्थर भी है। देखो पत्थर गिरे ऊपर से, बड़े बड़े गिरे। और तो बीआरओ इसको कैसे यूज करती है फिलहाल, यहाँ तो ट्रक निकलना बहुत मुश्किल है। आर्मी यूज करती है इस रोड को, हाँ ट्रक कैसे होते हैं यहाँ तो गाड़ी की जगह मुश्किल से। ये है डेंजरस रास्ते, ये देखो ऐसा रात को पता नहीं चला। ना जी हाँ रिफ्लेक्टर वैसे लगा रखे, लगा तो रखे पर फिर भी क्या पता लगता है यार। वो हाईवे तो बहुत बढ़िया था जिससे हम जा रहे थे, है ना। अब तक तो 100 किलोमीटर क्रॉस कर गए होते। सिंगल रोड कारगिल के आसपास नहीं पहुंच गए होते, हाँ ना कारगिल थे वहाँ जरूर पहुंच गए होते जहाँ रुके थे। लंबा यूरो वाका वो देखो सामने देखो, सामने देखो, ये सारा पुराना ट्रेडिशनल है, सब पुराना कर रहे हैं ना। डॉट पोल्यूट माई लद्दाख, देखो क्या जबरदस्त बंदे लिखा हुआ है, गाड़ी में बोल रहा है। हाँ हमारे जैसे को बोल रहा है, डॉट पोल्यूट माई लद्दाख। काफी गड्डी का जो इतनी आ रही थी पीछे, वो सब वो फंसी हुई है पीछे। पानी देखो यार,
देखो दोस्तों, ये रास्ते में हमने खुमानी के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। ये देखो बहुत सारे खुमानी के पेड़ हैं, तोड़ तोड़ के खाई है, बहुत ही स्वाद है यार। ये देखो लदे पड़े पेड़, और ये यहाँ के जो लोग हैं बोलते हैं कि आप खा लो, बेच नहीं रहे, खा लो, कहते हैं खानी है। देखो ये चीज कहाँ मिलेगी यार आपको, बहुत बढ़िया। ये कुछ तैयारी कर रहे हैं, मुहर्रम की हाँ, कोई मुहर्रम का कोई फंक्शन, मुहर्रम का महीना चल रहा है ना ये। कहीं कहीं तो ऐसी खतरनाक आती है रोड, खतरनाक रोड है जिसको इसको बोलते हैं ना, है ना, खतरनाक। ये देखो टर्न का साइन देखा, बिल्कुल मुंडी मोड़ी हुई नीचे नीचे कोई घुमा दिया नीचे घुमाया हुआ। ये देखो पेड़ कौन से है, पॉपुलर है क्या ये? वही है, पॉपुलर ही है, टूरिस्ट कम ही है इधर मेरे को लग रहा है, या फिर नीचे से आते हैं वो वाका से, वाका से आते होंगे। और लामायुरू से भी कटता था रोड एक, हाँ तो उसको लेते हुए लामायुरू वाला लेना चाहिए था ना। चलो ये बटालिक सेक्टर भी देख, बटालिक सेक्टर भी तो देखना था भाई, इसके कहते पास ही है बॉर्डर भी, हाँ बॉर्डर भी इसके आसपास ही है कहीं। देखो कितना तेज गिर रहा है, वो देखो रहा है, ये देखो फौजी गाड़ी भर रही है पाना, बहुत ही खतरनाक है यार इधर ना। भरला पानी? हाँ भर लो यार, नजारे देखो, भर लो भर लो, यही रोक दे पानी भराएगा, यही खड़े हो यार। ओ ये देखो पड़ी देखो, ये देखो यार ऊपर से ग्लेशियर का पानी पिघल के आ रहा है, और आवाज देखो इसकी खतरनाक आवाज, और पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है, साफ बिल्कुल साफ पानी, बहुत ही जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त। आवाज देखो कितनी खतरनाक है इसकी, यही पे जा रहे हैं यहाँ नेता। ये देखो भाई खड़ी हमारी बसंती, और उधर पीछे देखो वो पानी कितना गंदा आ रहा है, और ये कितना साफ पानी है, क्योंकि ये पीछे बहुत पीछे से नदी आ रही है, और बहुत बड़ी नदी है, और ये ऐसे ऐसे ग्लेशियर्स जो पिघल के पानी आ रहा है, ये बहुत सारे ग्लेशियर्स का पानी इसमें आके मिल रहा है, और आगे देखो क्या हालत हो रही है इसकी, ये देखो, और इस पानी में उस पानी में फर्क नहीं पड़ता, बहुत बहुत जबरदस्त है। और ये देखो ये ऊपर से आ रहा है सारा पहाड़ों में से, जो ऊपर कोई ग्लेशियर होगा जो पिघल के पानी इतना तेज बहाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर होगा भाई, अल्टीमेट व्यू है। वो ऊपर बारिश हुई और पानी देखो कितना जबरदस्त है यार, कितना तेज बहाव है, और ये देखो पीछे का नज़ारा, बहुत तेज बहाव पानी है, देखो पत्थरों को भी चीरता हुआ जा रहा है, देखो पानी बहुत ज़्यादा यार ऊपर, मेरे को लग रहा है ले साइड वाली साइड ही बहुत बारिश हुई है, जो नदी भर के चल रही है बहुत बुरी तरह से। ये देखो यार बहुत बुरा, बहुत बुरी हालत है यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो क्या हाल करते हैं, कितना तेज पानी हो गया आप सोच भी नहीं सकते। लो जी देखो पहुँच तो गए आर्यन विलेज, देखते हैं कौन से आयरन मिलते हैं यहाँ, झंडियाँ झुंडियाँ तो बहुत लगा रखी हैं, सड़क भी बड़ी गंदी है। ऊपर तो ठीक है, देखो यहाँ से आएंगे वापस,
आर्यन वैली व्यू, सामने पहाड़ देखो भाई। अभी तो और ऊपर चढ़ना है, इसे से पैदल चल जाते हैं। कैंप लिखा उन्होंने एक किलोमीटर तो कैंप है। पैरों में भी स्मेल आनी शुरू हो गई। बहुत खतरनाक चढ़ाई है, भी बहुत हाइट पे है, बहुत ज्यादा हाइट पे। पता ही नहीं कहाँ है, पता ही नहीं, सड़क भी नहीं, पता नहीं कहाँ है। ट्रक की तरह गियर डालने पड़ रहे हैं। बोल तो रहा हूँ, बहुत लंबा लेगा। मेरे को टायर भी सारा गड़बड़ लग रहे हैं। सड़क के बारे में बताओ, सड़क देखो कितनी गंदी है यार। इसे से तो उधर वो हेरिटेज विलेज ज़्यादा बढ़िया था, वहाँ चल जाते ज़्यादा अच्छा था। जहाँ जहाँ कोई गांव आता ना, हरियाली देखने को मिल जाती है। नहीं तो पत्थर ही पत्थर, सूखे पत्थर, पहाड़। थोड़ा सा छोटा सा कोई गांव आता, वहाँ हरियाली देखो, हरियाली। यही यही चीज़ है यहाँ, बस खेती बाड़ी करिए ना। हाँ, ये देखो पेड़ देखो सामने कितनी जोर है। मुल्लों का गांव है कोई सामने। डाउन पे, ले भी डाउन पे। हाँ ये डाउन पे है, ऊपर कोई मस्जिद है, कोई मस्जिद होगी या कुछ और हो। ये देखो यार ग्रीन देखो है, यही है इनकी रोजी रोटी। बहुत ही स्लो चल रहा है, घुमानी ढूंढ रहा है। घुमानी हमने भाई घुमानी है तो बड़ी जबरदस्त थी, मजा आ गया खा के ना। फोन पे लगा हुआ, फोन पे लगा हुआ। ये रुको, ये आरएनएस क्या है, ये स्कूल था कुछ लिखा हुआ है, इसको पूछ लेते हैं। किसको वो आगे आगे पूछ लो, आगे से आर्यन विलेज आगे स्ट्रेट स्ट्रेट है भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम अंचु। सोनम अंचुक। अंचुक, हाँ जी। बताओ आर्यन का स्टोरी है। का जमाने 2050 साल से पहले आया है यहाँ आर्यन बोल के, तो मंगोलिया से आके यहाँ पैदा हुआ है। यहाँ भी नहीं पैदा हो गया और नाला टोप में पैदा हो गया। उस जमाने में क्या था, कुछ फल बल नहीं था। तीर तीर ही था, जानते हैं ना, तीर ने जानवर मार के खाया, मारते मारते शिकारी करके खाया। तो आगे गिलगित से आया था वो लोग, गिलगित से। हाँ, तो मंगोलिया से गिलगित आया। गिलगित से तो ये मोजा में भूसी डाल दिया, गेहूँ का भूसी डाल दिया। इधर आया 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 इधर आके तो शिकारी करते बैठा। एक दिन तो ये भूसी सर गया ना अंदर पसीना से, तो इधर छोड़ दूँ यार, ये फेंक दूँ से फेंक दिया। तो इसमें तो अनाज था। तो और एक दो तीन महीने के पास आएगा तो उधर तो फल पक्की है, उधर वो यंग का अनाज उधर गिरा। तो ये तो आज ज़मीन अच्छा है यार, इसमें तो बहुत फल पक्की है अनाज बोल के उधर ही पैदा हो गया, उधर ही रह गया। हाँ यंग रह गया। तो ये तो मैं दानाले बोलता है उसको, दानाले दानाले। हाँ निरित बोलता है, निरित निरित। हाँ हमारे भाषा में निरित, तो हिंदी में तो नाला बोलेगा ना, तो लड़के भाषा में ब्रोक बोलेगा। अच्छा, तो लड़के ने हमको ब्रोक में पैदा हो गया तो ब्रोक पर नाम रखा है, अभी ब्रोपा आर्यन, ब्रोपा आर्यन। हाँ तो हमको शर्म नहीं ब्रोपा बोलने से, कोई शर्म नहीं, ब्रोपा है तो है। तो उधर ही पैदा हो गया। कभी साल दीप्ता का साथ बैठा, उस जमाने में दीप्ता दीप्ता था बोलते हैं। तो आर्यन आर्यन क्यों बोलता है इनको? तो आर्यन से आया तो आर्यन बोलेगा ना, आर्यन वंशज है आर्यन के। तो वो सुना है लोग बाहर से लड़कियां आती हैं इधर, वो कुछ है इसका आइडिया? बोल पूछे गए तो नहीं आता है। तो इधर काफी साल बैठ बैठ की
दीप्ता से अलग हो गया, दीप्ता छुप गया, तो ज़मीन हाल चलने लग गया, अनस लगने लग गया। तो इसमें बैठ के क्या करेगा यार, मैं एक नियत बनेंगे बोल दिया एक आदमी ने, शक्ति वाला था वो। क्या नियत बनेगा, जे नीचे एक हमको देश बन गया तो उसी में नियत बन जाएगा, बोल कि मैं ये तीर आसमान में छोड़ देंगे बोलने लग गया। ये तीर छोटा से आजकल की तीर जैसे थोड़ी है, यहाँ से वो रोड जैसा होगा, वो जमाना का तीर वही आजमान में छोड़ दिया तो वो दा का उधर एक पत्थर में होल बना की उधर पूछ गया वो तीर। तो तीर का नाम बोलते हैं हम दा बोलते हैं, तो वही दा का नाम, वही तीर का नाम रख दिया है दा। हाँ, तो ऐसे इधर पैदा हो गया। तो हम लड़के से 2050 साल से पहले हम पैदा हो गया, लड़के हो है कहाँ से पैदा हो गया, मंडी करजा स्पीति लाहौर, वहीं से एक ठोकरन राजा था मंडी में, खतरा ठोकरन बोल के बहुत खतरा था वो, छोटा सा थे, फलान है गरीब है, सबको मार डाला, भगा दिया, कोई मार डाला कोई भगा दिया। तो लेसन में आके वो लोग पैदा हो गया। तो खानदान सेट कहाँ से आ गया, तिब्बत से आ गया, सौदा के लिए इधर आ गया, तो माल बहुत उठा के सौदा के लिए आया, तो वो लोग भी नहीं लग गया। वो लोग अभी अभी तक उनका ऐसे जात बड़ा सोच के बैठा है। हम हमसे भी तो छोटा है ये जात, हम उनका अंदर गया नहीं, हम बड़ा है बोल के हमारे टुप्पा। तो अभी रिकॉर्ड है हमारे नाम, इसी तरफ से रिकॉर्ड होता है। तो एक हनु है, एक हम, एक दरास, तो है गालो मेलो दुलो तीन। तो तीन से फलाए हो गया एक नीमो में, लद्दाख से नीचे नीमो, नीमो वहीं चला गया एक, वो ब्रुक यहाँ से नहीं आया, आगे से जाके उधर पैदा हो गया। एक चंगथंग से में पैदा हो गया, वो बकरी वाला गुजर की तरफ बैठ गया उस जमाने में, बैठ बैठ की बकरी पाल पाल की, उसने ज़मीन की दियन बिल्कुल नहीं किया, हज़ारों हज़ारों बकरी पाल पाल भी बैल पाल पाल की हक पाल पाल की, उसी से गुजरन करके आज तक बैठा है। तो एक दिन तो दशहरा आते हैं ना, हमारे लोसर बोलते हैं, जब नया साल आ गया ना लोसर मनाते हैं हम दशहरा, जैसे आपका दशहरा नहीं बोलते हैं वो हम लोसर बोलते हैं। तो तिब्बत का तरफ किया लड़ाई था, लड़ाई राजा का लड़ाई था उस जमाने में, लड़ाई भी बुलाया, हम तुम्हारे अंदर नहीं, अलग सिस्टम है, हम नहीं जाए आएगा बोल के हम नहीं जा। तो हमने वो लोग ने दशहरा जल्दी बना के चला गया नया साल नहीं आने से पहले। तो हनु वाला भी गया उनके साथ, अभी हनु वाला लेकर साथ वही लोसर मनाता है। हम जब नया साल आ गया लोसर मनाता है, दशहरा था मनाता है, हाँ तो दशहरा मनाता है, ऐसे सिस्टम है। तो ये उस टाइम में शिवलिंग बोलते हैं ना शिवलिंग, हम बोलते हैं सद्दक। तो कोई कोई पूजा वूजा नहीं था, वही शिवलिंग को पूजा करते रहता था उस जमाने में। तो बाद में तिब्बत से गुरुजी आ गया लामा, आके पूजा देते देते लड़ाक से देते 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 नीचे तक गया। तो ऐसे सिस्टम है आज तक। तो जो लोग बोलते हैं यहाँ बाहर से लड़कियाँ आती हैं आयरन्स के पास, वो क्या सिस्टम है? ये सुनने वाला बेकूफ की बात है ये चीज़। हाँ। अभी तो बाहर के आ रहे लोग को हबशी का आदमी आके खुद ब खुद अजीब अजीब बना के नहीं काला काला उस टाइम में वो अंग्रेज में काला वाला सिर है तो कट देता था। अच्छा, सफेद पूरा सफेद रखता था। तो वो राजा अंग्रेज का राजा उस जमाने में, वो राजा मर गया तो वो दूसरा राजा है, तो अपनी मर्जी करो कला ठीक है बोल के तो कला करना सही ढूंढना ढूंढने ढूंढने। तो आर्यन मजबूत है बोल के इधर पहुंचा होगा उस जमाने में, इधर तो इंग्लिश है नहीं, कौन उनके साथ बात करेगा, चला गया होगा। तो अभी तो हबशी आके देखो, हबशी मिक्स नहीं अमेरिका में हर जगह में हबशी मिक्स है, वो कला बना की वो सिर्फ। हाँ, तो एक है अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान
भी आर्यन का जात था बोलता है, तो ये पूरा बुटे था, बुद्धिस्ट था, बुद्ध था बोलते है। वो उधर किन्नम मूर्ति तोड़ दिया, बाद में ये मौलाना साहब ने मुसलमान बनाया, तो ये अजीब के मुसलमान बना कि बस अभी तो मुसलमान मुसलमान कर देता है, पति होता है, मलबरी होता है। तो आपने क्या क्या लगाया हुआ इधर? हमने सारे लगा के है। सेब भी लगता है? सेब भी है, सेब भी कलम करके अभी इधर ही। ये किसके ऊपर किया कलम? ये बड़ी मोटी ये कलम किया ना, कलम लगाया हुआ ऊपर से। नीचे पेड़ कौन सा है? ये सेब है। अच्छा, ये पत्थर वाला सेब था, है तो मीठा था, मजबूत था।